late. Be the plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the plan, that's what they call me. वेलकम बैक फ्रेंड, और स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज जो है 0 MB या फिर 0 BB शो कर रहा है, या तो फिर आपका जो TWRP अगर आप ओपन करते हो तो उस पर जो इंटरनल स्टोरेज है उसे 0 MB का जो शो करता है, तो उसे किस तरीके से फिक्स करना है, तो वीडियो इन तक ज़रूर देखना दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ईजी ट्रिक मैं बताऊँगा जिससे आप जो है अपना ये स्टोरेज का प्रॉब्लम जो है फिक्स कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है माइक्रोमैक्स का Q402+, क्योंकि इसमें भी वही फॉल्ट आया है, इसमें भी इंटरनल स्टोरेज जो है 0 BB शो कर रहा है, जबकि मैं TWRP ओपन करता हूँ तो TWRP पे जो है इसका स्टोरेज प्रॉपर जो है शो कर रहा है कि 2 GB खाली है, 3 GB खाली, कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो स्टोरेज दिखाने के लिए मैं आपको सेटिंग पे ले चलता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हमें स्टोरेज पे जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज 5.2 GB यूज्ड दिखा रहा है, जबकि तकरीबन 2.5 GB के आसपास खाली है। तो यहाँ से अंदर जाना है और यहाँ से एक्सप्लोर कर देना है। तो जैसे ही मैं एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पर कुछ भी फोल्डर वगैरह शो नहीं करता है, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोमैक्स Q402+ 0 BB फ्री दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हो हमारा स्टोरेज खाली है, उसके बावजूद भी हमारा इंटरनल स्टोरेज को 0 BB शो कर रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसे फिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले मोबाइल को जो है पावर ऑफ कर देना है, और ये सब करने से पहले दोस्तों आपके मोबाइल में जो है TWRP रिकवरी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है रिकवरी रूट वगैरह के बाद ही आता है, उससे पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप कस्टम रोम जो है फ्लैश किए हो तो कस्टम रोम फ्लैश करने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि इंटरनल स्टोरेज जो है शो ही नहीं करता या फिर 0 BB जो है दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल ऑफ़ कर लिया है, अब मैं इसको रिकवरी पे बूट करता हूँ। तो रिकवरी के लिए पावर बटन और वॉल्यूम माइनस बटन को एक साथ प्रेस करना है, फिर पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। तो देख सकते हो मेरा डिवाइस जो है TWRP रिकवरी पर बूट कर गया है। तो यहाँ से मैं नेवर शो पर टिक करके राइट स्वाइप कर देता हूँ, और यहाँ मैं थोड़ा सा सेटिंग से ब्राइटनेस जो है थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। अब ठीक है, यहाँ पे इतना पे सेट कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बैकअप पे, जो सॉरी माउंट पे चला गया, बैकअप पे दिखा देता हूँ कि हमारा इंटरनल स्टोरेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ ऊपर पे देख सकते हो 2600 MB के आसपास जो है शो कर रहा है, जबकि हमारा फाइल पर नहीं शो कर रहा है। तो हम यहाँ से वाइप सेक्शन पर जाएंगे और फॉर्मेट डाटा क्लिक करके यहाँ पर येस टाइप कर देंगे। याद रहे दोस्तों वाइप सेक्शन पर जाना है, फिर फॉर्मेट डाटा क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे यस टाइप कर देना है, फिर ये जो है हमारे इंटरनल स्टोरेज और पूरा मोबाइल को जो है एक बार फॉर्मेट कर देगा। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल से बैक आना है, उसके बाद रिबूट करके सिस्टम पे टिक कर देना है और यहाँ पे डू नॉट इंस्टॉल कर देना है। इससे हमारा डिवाइस जो है कम्प्लीट अब जो है फॉर्मेट हो चुका है। अब हमारा डिवाइस जो है रीसेट होगा, सॉरी रिस्टार्ट होगा। तो रीसेट होने के बाद दोस्तों मोबाइल को बूट होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट के आसपास का टाइम लग सकता है। तो इतना का जो वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ मोबाइल बूट होने के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो बूटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क आने देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क आने के बाद ही ये लॉक जो है यहाँ से हटेगा। उसके बाद मैं आपको फटाफट सेटअप कंप्लीट करके आगे का वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क जो है आ चुका है, तो मैं फटाफट से इसका जो है सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल जो है कम्प्लीटली अब ऑन हो चुका है।
तो चलिए हम सेटिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा इंटरनल स्टोरेज जो है शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेनू खोलता हूँ, उसके बाद जाता हूँ यहाँ से सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद हमको जाना है स्टोरेज पे। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ से हमको जाना है स्टोरेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज, तो यहाँ नीचे देख सकते हो स्टोरेज अभी भी जो है तकरीबन 3.5 GB के आसपास जो है खाली दिखा रहा है। और यहाँ से हम एक्सप्लोर पे जाएंगे, इस पर थोड़ा सा लोड लेगा क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जो है ओपन हो रहा है। वेट करते हैं लोड लेने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फोल्डर वगैरह जो है आ चुका है, और यहाँ भी देख सकते हो 3.67 GB जो है फ्री दिखा रहा है, मीन्स 3 GB और 670 MB यहाँ पे खाली शो कर रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ओपन करके उसे। देख सकते हो दोस्तों 3.67 GB फ्री दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना इंटरनल स्टोरेज का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपका फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है अपना TWRP जो चेंज करके ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि Redmi 6 पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने TWRP चेंज किया तो उसमें हो गया था, और ये एक यूनिवर्सल मेथोड है जो हर एक एंड्रॉयड मोबाइल पर जो है दोस्तों काम करता है। तो इसको जो है आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।